હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણના વિષય છે હિન્દી જેની અંદર કાવ્ય નંબર એક આરાધના મિત્રો સૌ તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે કરવાના છીએ જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને આ જવાબો તમે તમારા હિન્દીની નોટબુકની અંદર મિત્રો લખી લેશો અને આપણી ચેનલ પર તમામે તમામ વિષના તે સોલ્યુશન સાથે મૂકવામાં આવે છે જેથી કરી તમે જે છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ફટાફટ કરી દેશો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરશો તો શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટર એક આરાધના जनरल लेखक वसंत तो से वसंत बापट, शब्दार्थ और टिप्पणी तो सब प्रथम तो निवेदन करना भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के मांगना बाद मंगलकारी नित्य निरंतर प्रतिदिन हर रोज आराधना तो पूजा वेदना तो कष्ट व्यथा परख तो गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा संवेदना तो अनुभूति सहानुभूति से दुर्बल तो कमजोर साधना तो उपासना आराधना अंतरंग तो शरीर के भित्री अंग जैसे कि मन मस्तक से आस तो आशा भरोसा सहारा कामना मानवता तो मनुष्यता आसना तो आराधना भक्ति धैर्य तो धीरता धीरज सब्र अभ्यर्थना तो अनुरोध बिंती अस्त तो ओझल अंत ना समाप्त बैर तो दुश्मनी शत्रु भाव

दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं प्रश्न त्राण कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं प्रश्न चार कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं प्रश्न पाँच कवि कैसे बंधुता की कामना करते हैं कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारा की भावना से जुड़े हो तरबाद आगे प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न से कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं जवाब जो मांगल्य अर्थात सब का कल्याण कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे इस तरह से कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सोचा उन्हें दूसरों के सहानुभूति भी नहीं मिलती वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते ऐसे उपेक्षित और अश्य लोगों से दुख दूर होने चाहिए प्रश्न तरण कवि की क्या अभ्यर्थना है कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए व नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो उसकी सभ्य आशाएं पूरी हो वह मनुष्यता की पूजा करे सब लोग धोर दो, वोर बने प्रश्नचार और कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है फिर भी दुनिया में नीच, जाति पाति अमीर गरीब आदि कई भेद हैं इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्षा द्वेष और संघर्ष है इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं प्रश्न निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए चंद्र पहला प्रश्न देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना सत्य सुंदर मांगे लेके नित्य हो आराधना उत्तर कवि बसंत बापट के बहु ही उदाहरण हृदय और उच्च दृष्टि के कवि है उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें सत्य के मार्ग पर चलें उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें प्रश्न बे भेद सभी अस्त होने बेर और वासना मानवों की एकता है पूर्ण वो कल्पना मुक्त हमें है एक ही बंधुता की कल्पना उत्तर आज संसार में वर्ण भेद जाति भेद रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं यह सदेश के कारण का अंतर बना है इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है जब तक इन भेदों का नाश नहीं होता तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी वास्तविक संचार कावे पंक्ति को पूर्ण कीजिए पहलू से देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही न पौरुष की साधना सुधी लखवा है जो ये देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना दुखिया का दुख चाहे यही है मन काम नाम वेदना को परख पाने जगह संबित दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना प्रश्न बे जीवन में नव तेज हो बंधुता की कामना जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना सुंदरता की आसो मानवता की हो उपासना सौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना पेर सपे अस्त हो वासना मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना प्रश्न पांच विरोधार्थी शब्द लिखिए उत्तर से दुख तो सुख जीवन तो मृत्यु सत्य तो असत्य सुंदर तो असुंदर अस्त तो उदय તો સંપૂર્ણ વિડીયો છેલ્લે શું તે જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર હવે આગળનો જે વિડીયો છે છે તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી અથવા તો ચેનલના પ્લે લિસ્ટમાંથી મળી જશે